डॉक्टर संजय निषाद जो है कैबिनेट मंत्री बनने के बाद संत कबीर नगर आए हैं और संत कबीर नगर जो है प्रवीण निषाद जी यहाँ के सांसद हैं वो हमारे साथ हैं। क्या मानते हैं प्रवीण जी की जो है डॉक्टर साहब के कैबिनेट मंत्री बनने से आपके समाज को कितना फायदा पहुंचेगा? एकदम निश्चित तौर पर हम लोगों ने हम ही के द्वारा और माननीय पिताजी के निवेदन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि मंत्रालय से मत्स्य मंत्रालय को अलग किया और देश आज़ाद होने के 70 साल बाद आज पहली बार मत्स्य का कोई कैबिनेट हुआ है, जिससे हम लोग अपने जो परंपरागत मछुआरे हैं जो इससे व्यवसाय करते थे, इनकी रोजी रोटी छिन चुकी थी, नदियों के किनारे रहने वाले, ताल के किनारे रहने वाले हमारे निषाद समुदाय जो जिनकी रोजी रोटी बंद हो, जिनका दैनिक जीविकोपार्जन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरता था, उनको सुधारने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए हम लोगों को मत्स्य मंत्रालय मिला है, पिताजी को मंत्रालय मिला और निश्चित तौर पर जो हमारे समाज का सपना था, हम लोग का सपना था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। प्रवीण जी, एक बड़ा मुद्दा है कि आरक्षण के मुद्दे पर आपको सहभागिता भी मिली है और आरक्षण के मुद्दे अपनी साथ समाज के आरक्षण के मुद्दे को लेकर आप जो है सड़क से सदन तक आपने लड़ाई भी लड़ी है, तो आरक्षण के मुद्दे पर कब तक आपको सफलता मिलेगी और अपने समाज को कब तक आरक्षण मिल पाएगा? निश्चित तौर पर जो नेतृत्व हमें आभार व्यक्त किया है और जो समय हम लोगों ने मांगा है उस समय निर्धारित समय पर हम लोग को आरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि चुनावी वर्ष था ये। चुनाव वर्ष में अमित शाह जी ने कहा था कि इसमें अभी रहने दो, 2023 से पहले हम आपको आरक्षण देंगे और निश्चित ही हम लोगों की मांग को मानते हुए अमित शाह और मोदी जी हमको आरक्षण देंगे, ये हमें आशा उम्मीद है। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर प्रवीण निषाद जी जो सांसद संत कबीर नगर, उनका मानना है कि जो है आरक्षण 2023 तक जो है निषाद समाज को मिल जाएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन और अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर।